आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया फोर। न्यूज इंडिया फोर में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं देश विदेश की तमाम खबरों पर। इन धमकियों से इन पूरी अफवाहों से लगता डर कहीं नहीं, देशभक्त कभी डरते नहीं है, क्रांतिकारी लोग कभी डरते नहीं है। हमने जन्म राष्ट्र रक्षा के लिए, धर्म रक्षा के लिए लिया है और वो कर रहे हैं। ये करते करते यदि हम समाप्त हो जाते हैं तो हमें हमारा जीवन धन्य हो जाएगा और उसके बाद हम पुनः जन्म लेंगे। हम तो पुनर्जन्म की परंपरा में चलते हैं, तो हम पुनर्जन्म लेंगे और उसके बाद फिर राष्ट्र धर्म की रक्षा के लिए निरंतर रहेगा हमारा, हर जन्म देश की रक्षा के लिए होगा। एक विशेष धर्म के व्यक्ति ने पहले आपको खत लिखकर धमकी दी गई थी, इस बार भी ऐसा कुछ है? निरंतर विधर्मी लोग ऐसा कर रहे हैं, निरंतर कर रहे हैं। रेगुलर में फोन पे धमकियां आती हैं और अननोन नंबर से आती हैं, कभी इंटरनेशनल कॉल होता है तो कभी प्राइवेट नंबर से आते हैं। वो अपनी पहचान भी व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे लोग क्या किसी को डराएंगे धमकाएंगे। हम देश धर्म पर जीने मरने वाले लोग कभी डरते नहीं है। इन लोगों की क्या संदेश है आपका? मैं यही कहूंगी कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, तो जो अपना जीवन जन्म लिया है तो अच्छे से जिए और समाप्त हो तो सद्बुद्धि पाएंगे। प्रभु राम जी से प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि भगवान ऐसे लोगों को अच्छे से सद्बुद्धि दे दें तो जी पाए, और अगर नहीं जिए तो उन्हें जहां जाना हो जाए। लेकिन हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं। हमारे न्यूज़ इंडिया फोर चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।